अमेरिका और भारत के बीच मंगलवार को 32,000 करोड़ की डिफेंस डील फाइनल हो गई है। इसके तहत भारत 31 प्रेडेटर ड्रोन अमेरिका से खरीदेगा। यह अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन का ही एक वेरिएंट है। ये ड्रोन तीनों सेनाओं को दिए जाएंगे। वहीं इसके मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए देश में ही फैसिलिटी भी बनाई जाएगी। बता दें कि पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में ये डील फाइनल हुई थी। भारत ने अमेरिका के साथ ये डील अमेरिकी चुनाव के एक हफ्ते पहले की है। अमेरिका की जनरल अटोमिक्स भारत को ये ड्रोन देगी। इन्हें चेन्नई में INS राजधानी, पोरबंदर और गुजरात के सरसावा में तैनात किया जाएगा। इसके अलावा इसे यूपी के गोरखपुर में भी तैनात किया जाएगा। इंडियन नेवी को 15 गार्जियन ड्रोन मिलेंगे। एयरफोर्स और आर्मी को ऐसे 8-8 ड्रोन मिलेंगे। भारत थल, जल और वायु तीनों सेना के बेड़े में MQ-9 भी ड्रोन को तैनात करना चाहता है। इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स इसके मल्टी टैलेंटेड होने का दावा करती है। कंपनी का कहना है कि जासूसी, सर्विलांस, इंफॉर्मेशन कलेक्शन के अलावा एयर सपोर्ट बंद करने, राहत बचाव अभियान और हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। आपको बता दें कि MQ-9 भी प्रेडेटर ड्रोन MQ-9 रीपर ड्रोन का ही एक वेरिएंट है। रीपर ड्रोन से हेलफायर मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिकी ने इसे हेलफायर मिसाइल से जुलाई 2022 में काबुल में अलकायदा के लीडर अल जवाहरी को मारा था। And which would include 16 for land use and 15 for the maritime use, which is largely the naval use. These are very capable platforms with large endurance, and therefore they will help us tremendously in keeping our area of interest and of area of responsibility under surveillance, so that we can know who is doing what and why. And that is very important, because that is the start point for any naval action. And we would like to ensure that as far as part of the overall maritime security, the Indian Navy is fully aware of what is happening in our area of interest. So in that sense, they will bring in tremendous capability, and along with the manned air assets which we have got, we are also looking at man and man teaming. There will be an occasion wherein either one or both kinds of platforms will operate. As you are aware that when we apprehended the MV Ruin few months back and saved 17 crews and 35 pirates, these